2.1 में और कोई डाउट रह गया तो वो पूछिए आप, नहीं नेक्स्ट देखें बेटा। फिर आप लोगों से प्रॉमिस किया गया है कि प्लस वन के रिजल्ट्स की वजह से आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, तो प्लस वन क्लास के रिजल्ट्स देखिए। जो नोट्स पीडीएफ भेजा हुआ है, जिनके पास नोट्स हैं, उसके फर्स्ट पेज पे प्लस वन क्लास के रिजल्ट लिखे हैं। ये आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए प्लस टू के लिए, ताकि पेपर चेकर को ये पता ना लगे प्लस वन ढंग से किए नहीं किए, कितनी आती है। उनको याद रखने की टेक्निक भी बता रहे हैं हम आपको। जनरली टीचर यही बोलते हैं, बोले यार प्लस वन नहीं की तो बोला छोड़, मैथ को छोड़ दीजिए। हालांकि की भी हुए तब भी भूल जाते हैं बेटा रिजल्ट, तो रिजल्ट्स बताते हैं आपको प्लस वन क्लास के रिजल्ट। तो जिसको नहीं आते वो बच्चा इनको रोज करे, लिख लिख के देखे साथ के साथ बिना देखे, जिसको नहीं आते तो प्लस टू में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी प्लस वन की बुक उठाने का फायदा नहीं, जैसे कई बच्चे ये बोलते हैं जी पहले प्लस वन का करवा दो जी, पहले प्लस वन कोई जरूरत नहीं, जो रिजल्ट यूज हो रहे हैं वो देख लीजिए आप बस। फर्स्ट रिजल्ट प्लस वन क्लास, टोटल 7 रिजल्ट। सेवन रिजल्ट्स ऑफ प्लस वन क्लास। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से आने चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जब भी हो, 7 के 7 रिजल्ट्स आप ध्यान रखिए। हमारे पास 7 रिजल्ट आ रहे हैं आपको। फर्स्ट रिजल्ट, मेरा इंटरनेट वीक है थोड़ा ना, मेरे को कुछ आवाज समझ नहीं आ रही बेटे। और सबके साथ भी कोई प्रॉब्लम है क्या बेटे? देखिए नो सर, नहीं सर मेरा इंटरनेट वीक है सर। अच्छा अच्छा, तो आप बेटे फिर अर्पित बेटे आपको इसके बाद रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बेटा। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग देख लेना ठीक है ना बेटा, यूट्यूब पे जो हम भेजते हैं वो देख लेना। अभी तो जितना जैसे वीडियो के तो वीडियो देखिए आप, उससे भी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, ये तो इनफैक्ट 10th क्लास का रिजल्ट है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेंजेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेंजेंट। इनके रेसिप्रोकल्स क्या क्या है? रेसिप्रोकल साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सेकेंट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट थीटा। रेशो इसलिए कह जाते हैं रेशो, ये दो साइड की डिवीजन है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा एंगल जो बिना 90 से वो थीटा यहाँ भी हो सकता था, थीटा के सामने जो है उसको परपेंडिकुलर, जिस पे दो एंगल थे उसको बेस, और 90 के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज। तो इनके रिजल्ट्स कैसे ध्यान रखने हैं देखिए बेटा आप, साइन कोस टेंजेंट। तो जैसे 10th में था, खैरिया आपको पता है, बहुत ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोलता है सोना चांदी तोले, तो लोग सोना चांदी चढ़ाते हैं सोना चांदी तोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरियाणा हरा भरा, हिंदुस्तान हरियाणा या इसार हरा भरा, पप्पू भाई का पेजर हेलो हेलो बोले, पापा बोले पुत्र हम है बेमिसाल, आजकल उल्टा है, पुत्र बोले पापा हम है बेमिसाल, पापा बोले पुत्र हेलो हाय बोल, जैसे मर्जी भी ध्यान रखिए आप। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, करली ब्राउन हेयर है ब्यूटी को प्रेजेंट करने के लिए, करली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, कैसे मर्जी याद रखिए, कैसे मर्जी।
हिंदी मीडियम वाले रखते हैं हिंदी मीडियम, लाल कक्का लंब बटा करा ना, परपेंडिकुलर को लंब कह दिया, आधार बेस कह दिया, लल्लू आए लाया कच्चे कच्चे आम, जैसे मर्जी आप याद रखिए, साइन कोस टेंजेंट। और रेसिप्रोकल्स यहाँ पे कोसिकेंट सिकेंट और टेंट कोटेंजेंट। सूरज चांद तारे, सूरज चांद तारे, चाय समोसा चाय, उल्टा लिखे तो उल्टा लिखे लिख दिया एच ओवर पी कोसिकेंट सिकेंट एच ओवर बी, ऐसे जाएंगे बी ओवर पी। आपको तीन आइडेंटिटीज भी पता है तो खैर ये पता है, चाहे हम ना भी बताते हैं ये तो बहुत अच्छे ढंग से पता है। टेंथ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ पे आनी स्टार्ट हुई है, प्लस वन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, आइडेंटिटीज टेंथ क्लास की फर्स्ट रिजल्ट, ये नोट्स में लिखा हुआ है, पीडीएफ जो भेजा हुआ है आज और भेजेंगे हम आपको पीडीएफ, यही उसमें लिखा हुआ है। इसको तीन वे से यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर, cos square equal to 1 minus sin square। एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्क्वेयर क्या होता है, जैसे sin square 30 है, इसका मतलब ये नहीं है कि s का भी स्क्वेयर, i का भी स्क्वेयर, n का भी स्क्वेयर, 30 का भी स्क्वेयर, ऐसा नहीं है। 125 का स्क्वेयर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर, ये एज ए होल है, अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये पावर बाहर आ जाती है। इसमें ऐसा नहीं है 125 स्क्वेयर है तो हम 12 स्क्वायर 5 लिखते हैं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली ये फंक्शन है, ऑपरेटर है, इसका स्क्वायर किया गया ऑपरेटर का। तो बीच में जो पावर है बाहर आ जाती है, बीच में जो पावर है सभी ट्रिग्नोमेट्री में बाहर आ जाती है, पावर माइनस वन को छोड़कर। इसी तरीके से सेकेंड स्क्वायर का पता है आपको, नीचे का नहीं दिख रहा है, सेकेंड स्क्वायर का हमें पता है, बताते हैं बच्चे सकते हैं एडजस्ट। इसको भी तीन वे से सोच सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सेकेंड स्क्वायर माइनस वन, समझ गए बेटा स्क्वायर का मतलब क्या, होल स्क्वायर है, बीच में स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर है। वन टू ये तो बताया, थ्री कोई डाउट, वन टू थ्री। इसी तरीके से वन को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर। थ्री आइडेंटिटीज बोलते हैं, आइडेंटिटीज का मतलब विच इज ट्रू फॉर ईच थीटा। इसी तरीके से कोसिकेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस कोस स्क्वायर, ये भी तीन वैसे, कोसिकेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर क्या होगा, कोसिकेन स्क्वायर माइनस वन। ये तो इनफैक्ट टेंथ क्लास का रिजल्ट है, कहना अभी बताते हैं सेकेंड रिजल्ट, रब कर रहे हैं इसको, तो साथ के साथ आपको आने चाहिए, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट ना समझ में आए तो नंबर बोलना और पूछ लेना। सेकंड रिजल्ट, कोई भी रोटेशन है, जैसे ये एंगल बनाना है, कोई भी रोटेशन है तो मैक्सिमम फोर क्वाड्रेंट्स में होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्वार्टर पार्ट, फोर पार्ट किया जाए तो उसका नाम क्वाड्रेंट्स बोल दिया जाता है, एट किया जाए तो ऑक्टेंट्स बोल दिया जाता है, जैसे चार इक्वल पार्ट्स कर दिए, कोई भी एंगल है, जीरो डिग्री 90 डिग्री या फाइव बाय टू कह दो, जीरो डिग्री को जीरो रेडियन कह दो, 180 डिग्री या फाइव कह दो आप, 270 डिग्री या 19 टू थ्री यानी थ्री फाइव बाय टू कह दो आप, जीरो डिग्री या 360 डिग्री या टू पाई, एक ही बात है, अगर हम कहें इस मार्कर को जीरो डिग्री पे रोटेट करना है तब भी यही पोजिशन, 360 पे करना है तब भी यही पोजिशन। After school to college, ASTC rule,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कैफे, आल साइन टेंजेंट कोर्स, आल साइन टेंजेंट कोर्स, आफ्टर साइन, आफ्टर साइन, आल साइन ट्रांसफर टू कोसाइन, आफ्टर साइन देर इज कोर्स, कैसे भी याद रखें। तो जो जहां लिखा है वो पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इसमें तो ऑल पॉजिटिव, जीरो से 90 डिग्री तक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा पॉजिटिव, टेंजेंट 60 डिग्री पॉजिटिव, और 89 डिग्री पॉजिटिव, मतलब जो भी है, ए का मतलब ऑल, जो भी यहां लिखा होगा सब पॉजिटिव। एस का मतलब साइन एंड देयर फॉर कोसेकेंट, साइन देयर फॉर कोसेकेंट, पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, बाकी सभी नेगेटिव होंगे जो भी इसमें आएगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब सिकेंट, इसका मतलब सिकेंट नहीं है, ऑल साइन टेंजेंट कोस बिना रेसिप्रोकल के हैं, साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव होगा, कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या नेगेटिव आ जाएगा, नहीं, कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो साइन देयरफॉर कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, टी टेंजेंट एंड देयरफॉर कोटेंजेंट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, बाकी सभी नेगेटिव, कोस देयरफॉर सेकेंट, कितना अंडरस्टूड है, कोस अकेले का तो कोई मतलब नहीं है, कितना अंडरस्टूड है, पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, और इससे बाहर कोई एंगल हो भी नहीं सकता, जीरो से यही रोटेशन देगी, किसी पेन को रोटेट करेंगे तो वापिस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, 390 डिग्री भी देंगे तो उसको 30 डिग्री कर देंगे। सर जो लिखा है इसमें साइन टेंजेंट कोस, बस ये पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यस बेटा, साइन और उसका रेसिप्रोकल भी, टेंजेंट उसका रेसिप्रोकल भी, कोस और उसका रेसिप्रोकल भी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें साइन ऑफ 200 डिग्री का साइन क्या होगा, तो पहले तो ये देखिए 200 डिग्री है कहाँ, वो 180 और 270 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, 180 से 270 के बीच में तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं 200 मिलेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये 200, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है, वैल्यू क्या होगी वो फर्दर, अभी तो साइन। फॉर एग्जाम्पल हम ये पूछें कोस ऑफ 300 डिग्री, तो 300 कहाँ आता है, 270, 270 और 360 के बीच में, वहां पे तो कोस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अभी कोई डाउट? नो सर। तो ये आपको पता भी है फिजिक्स में भी यूज करते हैं, तो आपको रिव्यू करवा रहे हैं कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि प्लस वन की वजह से दिक्कत नहीं आने देंगे। थर्ड रिजल्ट देखिए, थर्ड रिजल्ट, तो बड़े आराम से करा रहे हैं, एक दो लेक्चर फालतू लग जाएंगे बस उसमें क्या है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज की है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री सब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप में। थर्ड, एंगल रिड्यूस कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, हमें तो 0 से 90 तक का पता है, 0, 30, 45, 60, 90, तो एंगल को रिड्यूस कैसे करेंगे, एंगल को कम कैसे करेंगे हम, उसके केवल दो स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एक तो साइन, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट्स पर,
प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट्स पर। और सेकंड थिंग, पहला ये स्टेप है, पहला ये स्टेप, फिर उसके बाद आपको क्या करना है ऑन वाई एक्सिस, याद रखने की टेक्निक है, यानी 90 या 270 डिग्री कह दीजिए, वाई एक्सिस मतलब 90 डिग्री या 270 डिग्री। टी रेशो चेंज, टी फंक्शन, रेशो मतलब पी और बी की रेशो है, इसका नाम इसलिए रेशो, टी रेशो चेंजेज अकॉर्डिंग टू कोर रूल। नाइन्टी, नब्बे और 270 पर कोर रूल के अकॉर्डिंगली टी फंक्शन चेंज हो जाएगा। कोर रूल क्या है, देखिए कोर रूल, कोर रूल क्या है, पुट ऑन को लगा दीजिए इफ को नॉट देयर, को नहीं है तो को लगा दो, पुट ऑफ को हटा दो, को क्या चीजें बताते हैं, इफ को देयर। दैट इज जैसे साइन थीटा है बेटा, इसके आगे को लगा के पढ़े तो क्या बनेगा, कोसाइन थीटा, कोस थीटा। तो कई बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, साइन को कोसिकेंट में चेंज कर देते हैं, वो नहीं है, साइन के आगे को लगा के पढ़ो, कोसाइन है, को हटा के पढ़ेंगे तो साइन, सिकेंट थीटा, को लगा के पढ़ो तो कोसिकेंट, कोसिकेंट में से को हटा दो सिकेंट, टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोटेंजेंट में, और कोटेंजेंट में से को हटा दो टेंजेंट। टोटल 7 रिजल्ट प्लस 1 की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसको खत्म कर रहे हैं अभी हम, अभी तक 3rd रिजल्ट पे पहुंचे हैं, 7 रिजल्ट है टोटल। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, अभी एक्सप्लेन करते हैं, अभी आपको क्लियर नहीं होना चाहिए, ये जो बोर्ड पे लिखा है ये क्लियर नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा बोलिए। अगर cos थीटा है तो, cos थीटा है तो उसमें को लगा हुआ है, उसमें से को हटा दो तो साइन थीटा, देखो एरो दोनों तरफ लगा रखे हैं, यानी साइन कोस में है, कोस साइन में, एरो दोनों तरफ यूज किए हैं हमने इसमें, देखो बोथ वे एरो यूज किए हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, सिक्स इधर दोनों तरफ यूज किए। अभी कोस एग्जांपल से क्लियर करते हैं, एग्जांपल से क्लियर करते हैं भी क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब। फॉर एग्जाम्पल साइन 90 माइनस थीटा है, जो आप 10th में करके आए हैं तो टीचर ने आपको रट्टा लगवा देगा कोस थीटा कोस थीटा, अदरवाइज रीजन क्या है, 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, 90 में कुछ माइनस करेंगे तो नेचुरली कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है, 90 है तो ये सेम नहीं रहेगा, साइन फंक्शन नहीं रहेगा, इसके आगे को लगा के पढ़ो कोसाइन, और एंगल चाहे यहाँ माइनस थीटा है चाहे प्लस थीटा है चाहिए आ जाएगा। फिर 10th में बच्चे ने ये नहीं पूछा, बोला जी साइन 90 प्लस थीटा हो तो अब कई हो सकते हैं, 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ए एस, एस मतलब साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 प्लस का मतलब 90 है, चेंज हो जाएगा तो साइन, माइनस है चाहे प्लस है या थीटा है, टेंजेंट 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड में तो टी लिखा हुआ है तो टेंजेंट वहां क्या है, पॉजिटिव, 90 या 270 नहीं है तो चेंज नहीं होगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा और रिड्यूस एंगल थीटा, सेकंड 270 प्लस थीटा है तो 270 प्लस
कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? फोर्थ में सी लिखा हुआ है, कॉस और सेकेंड पॉजिटिव, 90 या 270 नहीं है, है तो ये चेंज हो जाएगा कोसेकेंड, रिड्यूस एंगल थीटा। साइन 360 माइनस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट 360 माइनस करेंगे तो फोर, मैं तो सी लिखा हुआ है कॉस और सेकेंड पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, 90 या 270 नहीं है, 90 या 270 नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा और रिड्यूस एंगल क्या आ गया थीटा। वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर डाउट्स पूछिए आप, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नंबर पूछे आप सर, को वहां पे लगाते जहां पे 90 और 270 डिग्री हो, बस बस लिख दिया, बहुत क्लियरली लिखा हमने स्टेप टू में, जहां पे 90 या 270 है वहीं पे लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट है तो पूछे आप। अभी तक 3 रिजल्ट, टोटल 7 रिजल्ट हैं, आधा लेक्चर हमें और चाहिए, एक ही टेबल याद रखेंगे, कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है पहले सीट किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए, तो मैथ में भी रिजर्व है, पहले नंबर पे एससी साइन कोर्स पहला याद रखना, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर सीएस, एससी सीएस, थर्ड पर सीसी, फोर्थ पर एसएस, पहला नंबर याद रखिए, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, एससी सीएस सीसी एसएस, बस एससी सीएस सीसी एसएस। जैसे हम क्या पूछे सीसी कौन सा नंबर पे, ये नहीं आप ये घर जाकर ये रट लगाओ सीसी थर्ड पे थर्ड पे थर्ड पे, ऐसा नहीं, शुरू से स्टार्ट हो जाओ एससी सीएस सीसी एसएस, बस तो ये थर्ड पर याद रखने में। यहां पहले दो नंबर पे एस प्लस माइनस एस, यहां दो लास्ट नंबर पर सी प्लस माइनस सी, तो ये टेबल आप ध्यान रखेंगे, कल आपको फिर से बताएंगे। अभी तक 3 रिजल्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है, आप 3 रिजल्ट्स और फर्स्ट एक्सरसाइज, ये रिजल्ट हम आपको बताएंगे। किसी बच्चे ने और कोई बात डिस्कस करनी है, काम साथ साथ करेंगे, कैलकुलस स्टार्ट किया हुआ है, 35 मार्क्स का आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय सर। बाय बेटा, ओके।